नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पैरों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन का, कैसे आप इलाज कर सकते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, मेडिसिन क्या ले सकते हैं, बचाव आपने क्या करना है इस कंडीशन में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पैरों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन दोस्तों इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, बरसात के टाइम पर और ठंड के टाइम पर और गर्मियों के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलती है। जो लोग बहुत ज़्यादा जूते पहन के रखते हैं या फिर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेडिकल टर्म में इसको दोस्तों टीनिया इंटरडिजिटली कहा जाता है, साथ में इसको एथलीट फुट या टीनिया पैडिस के नाम से भी आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये दोस्तों पैरों की उंगलियों के बीच में कंटिन्यूसली बना रहता है। ये होने के कारण क्या होते हैं, जो लोग पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर जो ठंड की जगह पर रहते हैं और गर्मी में, इसलिए होते हैं क्योंकि बराबर टाइम से जूते पहन रखने वाले लोग, उनको बहुत ज़्यादा ये होता है, जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर नमी की जगहों पर होता है, जैसे उंगलियों के बीच में हो गया, कान के पीछे हो गया, तो इन कंडीशनों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें जो होता है आपके उंगलियों के बीच में होता है और इसमें पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है। साथ में ये होता क्या है, जैसे कि आपका अगर नाखूनों के बीच में हो रखा है या फिंगर के बीच में हो रहा, तो वाइट वाइट लेयर सी उतरनी स्टार्ट हो जाती है। जो स्किन की ऊपर लेयर होती है वो बिल्कुल गलने लग जाती है, मतलब बिल्कुल ही वाइटनेस आ जाती है उसमें, और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होना या फिर कभी कभी तो ये होता है कि ब्लडिंग होना भी शुरू हो जाता है, और साथ में उसमें पस निकलना या फिर पानी का निकलना बराबर बना रहता है। और किन्हीं किन्हीं लोगों में तो सिम्टम्स ये स्टार्टिंग होते हैं कि पहले उसमें बारीक बारीक से दाने होते हैं, फिर वो फटने लग जाता है और फिर वो बिल्कुल ऐसे रूप ले लेता है जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में यही साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और कारण भी यही होते हैं कि भैया जो लोग पानी में ज़्यादातर रहते हैं या फिर जो बार-बार जूते पहनते रखते हैं, तो ज़्यादातर ये गर्मी के और बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में जो लोग गंदे पानी का यूज़ करते हैं या फिर गंदे पानी में जिनके पैर वैर चलते रहते हैं, नंगे पांव चलते रहते हैं बरसात में, तो उन लोगों को भी ये कंडीशनें देखने को मिल सकती है। अब ये जो फंगल होने के कारण जो होते हैं, इसके कई सारे फंगस इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जैसे कि माइक्रोपोरम फंगल इन्फेक्शन हो गया, ट्राइकोफोंटम हो गया, आपका एपिडर्मोफाइटोन हो गया और साइप्रोफाइटिन मोल्ड हो गया। तो ये कारण होते हैं ज़्यादातर फंगल होने के, जो आपकी बॉडी में अधिकतर देखने को मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन कई प्रकार से होते हैं, टीनिया पेडिस हो गया आपका, टीनिया वैस्कुलर हो गया, यानी जो बगल का जननांग का फंगल्स, कई प्रकार के फंगस होते हैं, माउथ फ्रेशर हो गया आपका, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें पैरों के फंगस के बारे में। जो पैरों की उंगलियों के बीच में फंगस हो जाता है, तो उसका आप कैसे ट्रीट कर पाएंगे दोस्तों। बात करते हैं इसमें मेडिसिन के बारे में, तो ज़्यादातर इसमें मेडिसिन नहीं होती, 3 से 4 मेडिसिन आप इसमें लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जो होगा 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले आपने टॉपिकली क्या यूज़ करना है, यानी क्रीम का आप इसमें यूज़ करेंगे, जो आती है टर्बिना फाइन, आपको ब्रांड नेम से मिल जाएगी टर्बिना फोर्स के नाम से, जो लाइफ स्टार मैनकाइंड की एक एथिकल मेडिसिन है, 60 से 70 रुपये की आपको ये मिल जाएगी। आसानी से आपने इसको दिन में 1 से 2 बार अप्लाई करना होता है। आप इसमें मेडिसिन क्या लेंगे, ओरली मेडिसिन जो आती है ग्रेसिव फ्लोविन आती है, जो GSK फार्मा की आ रही है, 10 टैबलेट मात्र आपको 30 से 40 रुपए की आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और 500 से 1000 एमवी तक इसको दिन में 1 से 2 बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फंगस बहुत ज़्यादा हैं, उंगलियाँ मतलब बहुत ज़्यादा गल गई है, तो आप इसको दिन में 2 बार लीजिएगा, नहीं तो 500 टैबलेट जो आती है दिन में 1 बार ही लेनी होती है। चाइल्ड की भी ये डोजेज होती है, लेकिन चाइल्ड की डोजेज होती है कंडीशन के हिसाब से, वेट एज के हिसाब से देखने को मिलती है। ये जो हम डोज बता रहे हैं ये एडल्ट की डोज होती है। कंटिन्यूसली लगभग आपको 3 से 4 महीने तक इसको लेना होता है, वो भी आपके फंगस पे डिपेंड करता है। दूसरी टैबलेट आप इसमें लेंगे दोस्तों, वो आती है फ्लूकोनाजोल, जो आपने कई नाम सुना ही होगा, 150 mg में, 50 mg में, 25 mg में और 200 mg तक भी ये देखने को मिल जाता है। अब इसको लेना कैसे होता है, हफ्ते में 2 बार इसकी डोजेस बांध सकते हैं आप, या फिर आपने कैसे इस तरीके से लेना है, एडल्ट की डोज होती है, जो लोग हफ्ते में 1 से 2 बार लेते हैं उनका क्या होता है कि फंगस दोबारा रिप्लेस होने के चांसेस बने रहते हैं, इसीलिए इसको कम कम मात्रा में आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। अब लेने का तरीका है एडल्ट के लिए दोस्तों, फर्स्ट जो टैबलेट देनी है आपने इसको 200 mg मरीज को देनी है जिनका स्टार्टिंग हो गया, 200 mg तक इसको एक बार में देना है, और उसके बाद 50 mg लगभग
एक से डेढ़ महीने तक कंटिन्यूसली पेशेंट को देना होता है, वो भी उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तीसरी टैबलेट आप इसमें ले सकते हैं टर्बिना फाइन जो आती है, क्रीम आती है टर्बिना फोर्स के नाम से भी आपको टैबलेट के रूप में मिल जाती है 250 mg 500 mg, लेकिन आपने लेना है 250 mg, लगभग एक महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करना है, डेली एक गोली का सेवन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये है कुछ 3 से 4 टैबलेट को आपने कंटिन्यूसली यूज़ करना है। पहली आती है क्रीम का टर्बिना फोर्स क्रीम आ गई, दूसरी आती है ग्रेसोफिलोविन टैबलेट आ गई, तीसरी फ्लोकोनाजोल, और चौथी जो आती है टर्बिना फाइन 250 mg में आपने इसका यूज़ करना होता है। वो भी मैंने आपको बता दिया है कितना टाइम तक आप इसका यूज़ करेंगे। अगर आपका फंगल स्टार्टिंग है मतलब 10 से 15 दिन हो गया तो लगभग एक महीने में कवर हो जाएगा, लेकिन फंगल अगर 2 से 3 महीने का है तो मान लीजिएगा आपको कम से कम 5 से 6 महीने तो कंटिन्यूसली इसमें लग जाते हैं। अब इसमें साथ साथ आपने दवाई के साथ साथ बचाव क्या करना होता है दोस्तों, पानी में अगर आप जाते हैं तो वो वाले जूते ज़रूर पहने जो वाटरप्रूफ हो, जिससे आपका पानी बराबर ना लगे पैरों में। डिटर्जेंट साबुन से बचाव रखें जितना हो सके, वैसे तो अगर जिसका काम होगा तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे आप पानी से छुटकारा मिल जाता है तो अपने पैरों को धूप में ज़रूर रखें, और नाइट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्रीम का। अगर आपका नहीं हुआ है तो क्या करना होता है, आपने जूते पहन रहे हैं तो उसके अंदर डस्टिंग पाउडर का यूज़ करें, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और आपको आगे प्रॉब्लम भी नहीं होती है दोस्तों। ये ज़्यादातर बरसात में और गर्मी के मौसम में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन जो होती है सर्दी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग बर्फबारी में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि पानी की वजह से हो सकता है, गंदे पानी की वजह से या फिर पानी में ज़्यादातर रहने में, और ज़्यादातर ये नमी की जगहों पर होता है। फंगल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है दोस्तों, अगर किसी को घर में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट करें ताकि वो किसी और में ये फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ भरी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ओके बाय, टाटा टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।